गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट EVS। हमारा टॉपिक है एसिड स्टेल्स है फार्मर स्टोरी। जो एक बीच है वो एक फार्मर की स्टोरी बताएगा। फार्मर क्या होता है? एक किसान, उसकी एक स्टोरी बताएगा। ये सीड एक बीच। आई एम ए स्मॉल सीड, ये सीड क्या बोल रहा है? मैं एक स्मॉल सीड हूँ। आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड, मैं बाजरे का एक सीड हूँ। आई हैव स्टेड इन द ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स इन 1940। कहता है कि मैं एक सुंदर से ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स में 1940 से हूँ। आई वेंट टू टेल यू माई स्टोरी, आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँगा। दिस इज ए लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी स्टोरी। बट नॉट माइन अलोन, इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामूजी बाई एंड हिज फैमिली। ये खाली मेरी स्टोरी नहीं है, जो मेरा फार्मर है, मेरा किसान है, उसकी, जिसका नाम क्या है, दामूजी बाई, और उसकी फैमिली की ये स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। If I do not tell my story now, it might to be late। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा तो ये बहुत लेट हो जाएगा। I was born in Vanagam in Gujarat। कहता है मैं Vanagam गुजरात में पैदा हूँ। कौन बोलता है ये? ये बीट। This year there was a good bajra melt crop। इस बार ना बाजरा की जो मेल्ट है वो बहुत अच्छी फसल उगी है वहाँ पे। There was a festival mood in the village। फेस्टिवल चारों तरफ से लग रहा है कि फेस्टिवल, हम कोई त्यौहार मना रहे। और एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। ये कहता है जो उनका जो एरिया है वो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए बहुत मशहूर है। ईच ईयर दामूजी केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप। हर साल दामूजी भाई क्या करते थे, अच्छे से जो बीज होते थे वो अलग से रखता था बॉक्स में, ताकि वो अगले साल फिर से काम आए। जैसे आप देखते हैं हमारे घरों में भी जो अच्छे बीज होते हैं उनको हम संभाल के रखते हैं, ताकि अगले साल वो बोने के काम आए। दिस वॉज आउट आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऐसे ही जो हमारी जो बाजरा जनरेशन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चलती जा रही है। गुड सीड्स वर स्टोर इन ए ड्राइड गोरी लौकी विच वॉज कोटेड विद मड। जो आपको वो लौकी जिसको बोलते हैं हम, मतलब अलगोट से वाला कश्र पठ, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो बीज रखते थे और ऊपर से उसको मिट्टी का वो ऊपर से वो बंद करते थे। बट दैट ईयर दामूजी हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। पर इस साल क्या किया, जब वरना वो रोज़ किस में रखते थे, वो लौकी के वह रखते थे, पर इस साल क्या किया, इस साल दामूजी बाई ने खुद एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जिसमें वो रखने लगा। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। उसमें नीम के लीव्स भी रखे, ताकि उन जो दाने जो बीज हैं उस पर कीड़े ना लगे। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स। उसने अलग अलग सीड्स अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखे। दिस वॉज अवर ब्यूटिफुल होम, ये हमारा एक सुंदर सा घर बन गया। इन दोज डेज दामूजी एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर। उन दिनों क्या कहते हैं, दामूजी भाई और उसके जो कजन्स थे, चचेरे पफेरे, वो चचेरे भाई वो सारे एक साथ रहते थे। इट वॉज ए लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली थी। Everyone in the village helped each other even in farming। हर एक दूसरे की हेल्प करते थे फार्मिंग में, काम करने में, हर एक दूसरे की हेल्प करते थे, क्योंकि सारे वहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते थे। जैसे हमारे यहाँ पे भी पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा घरों में जॉइंट फैमिली में रहते, तो एक दूसरे की हेल्प वो करते रहते थे। जहाँ जैसे तो आजकल थाल लगाने खतर इवान घर मदद करा, इतने कम सटन तम सत मदद करा। When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together। जब वो तैयार हो जाता है, हर एक कोई अच्छे से अपने से त्यौहार मनाते थे। Oh, those wonderful days with big feasts and lot of eats। वो दिन कितने सुंदर थे और कितना कुछ खाने को मिलता था। Okay, अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। Okay, thank you।